मंडी जिला के सरास विधानसभा क्षेत्र की दूर दराज पंचायत मुराह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुराह में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है तथा फुटीधार तांदी और गहराखंड दावड़ा सड़क के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास उन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरास विधानसभा क्षेत्र में सड़क संपर्क की दृष्टि से सबसे कठिन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरास क्षेत्र आने वाले समय में मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ये लंबे इंतजार के बाद मंडी जिला के लोगों को राज्य सरकार के नेतृत्व का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व का हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव व संबंध है जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है तथा राज्य को केंद्र से करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान हो रही है। उन्होंने मुहार कारीधार और बसन में महिला मंडल भवन निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने गच्चीगढ़ से सेरी के बीच स्पेन लगाने के लिए 7 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने काउ पंचायत में पशु चिकित्सा प्रवेशन और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्लोट में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने की भी घोषणा की। जयराम ठाकुर ने 25.82 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले थलोट पंजेन थाची नारायण गाल स्वेताधार चेत लंबा थाच सड़क मार्ग के सुधार और सुदृढ़ीकरण का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण CRF के तहत किया जाएगा और जल्द ही इस सड़क पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने 3 करोड़ की लागत से निर्मित थलोट से कहानी सड़क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवाड़ के तहत ग्राम पंचायत काऊ और देवधार में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ जल आपूर्ति योजना के पुनर्मॉडलिंग का शिलान्यास भी किया। विधानसभा क्षेत्र में आए हूँ, काफी अरसे के बाद आना हुआ है और ये ग्राम पंचायत मुरहा है और यहाँ बहुत लंबे समय से मांग थी सड़क पहुंचे। सड़क पहुंचने के साथ साथ बस की मांग थी, सड़क पहुंच गई थी। कुछ 6 महीने पहले हमने सड़क यहां से जोड़ दी थी लेकिन बस नहीं वहां पर शुरू हो पाई थी, लेकिन सब लोगों का आग्रह था कि यहां पर आकर के बस की शुरुआत करें, तो आज बस की शुरुआत की। हमने एक पेयजल योजना की 1.10 करोड़ की लागत से उसका भी शिलान्यास किया है और उसके साथ साथ में यहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग लगभग 9.5 लाख की लागत से उसका भी हमने शिलान्यास किया है और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे विकास कार्यों के संबंध में हमने बातचीत की।